तो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था मोबाइल के अंदर क्या प्रोसेस होता है और कैसे कॉल ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो पर्संस या दो फोन्स पास पास में हो तभी कम्युनिकेशन ईजिली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि एक्चुअली फार डिस्टेंस कम्युनिकेशंस कैसे पॉसिबल होते हैं, उनमें क्या प्रोसेस होते हैं और मोबाइल टावर्स यहाँ पे रोल प्ले कैसे करते हैं और उनमें क्या ऐसे प्रोसेस होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन या आपकी वॉइस मैसेज ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि अगर दो मोबाइल फ़ोन्स के डिस्टेंस कम हो या वो बहुत क्लोज हो तभी कम्युनिकेशंस पॉसिबल होता है, क्योंकि जो वेव्स मोबाइल फ़ोन से निकलते हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल टावर्स के बारे में जो इन वेव्स को फार डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मदद करता है। तो बेसिकली मोबाइल टावर्स का काम होता है कि जो वेव्स होते हैं उनको फार डिस्टेंस तक भेजना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे सबको पता होता है कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है। मैं क्विक बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ कि वो मोबाइल टावर्स एक वेव्स को पकड़ता है, उसको फिर से दूर तक अलग नेक्स्ट मोबाइल टावर तक ट्रांसमिट करता है, तो वो मोबाइल टावर उस वेव को पकड़ के उसको मोबाइल तक ट्रांसमिट कर देता है। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है मोबाइल टावर्स का। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल टावर्स लगे होते हैं, तो ऐसे हालाँकि ऐसे कैसे पता चलता है मोबाइल टावर्स को कि हाँ ये कॉल इसी पर्सन तक जानी है और ये पर्सन इसी जगह पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे काम आता है मोबाइल बेस स्टेशन का। मोबाइल बेस स्टेशन का काम होता है एक करेक्ट कॉल को करेक्ट जगह पे कनेक्ट करना या करेक्ट पर्सन से कनेक्ट करना। तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारे MBS कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल बेस स्टेशन बहुत सारे होते हैं, तो एक MBS में मोबाइल बेस स्टेशन में एक एरिया कवर्ड होता है और उस एरिया में जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए वो होम MBMS बन जाता है, और जो होम BMS होता है वो हर एक यूज़र्स को अलॉट किया जाता है। तो अगर वो यूज़र होम MBS के अंडर एरिया के अंडर में है तो वो डायरेक्टली होम BMS से कनेक्टेड हो जाता है अगर उसको कोई कॉल आता है। तो अगर मान लो यूज़र्स कहीं होम BMS में अपने होम BMS से अलग कहीं बाहर के एरिया में गया है तो वहाँ पर भी BMS होता है, तो वो BMS उसका फॉरेन BMS बन जाता है। तो यहाँ पर कॉल कैसे कनेक्ट होता है, जब भी कोई एक कॉलर कॉल मिलाता है तो पहले वो होम BMS में जाता है, तो वहाँ से होम BMS ट्रैक करता है कि यूज़र एक्चुअली कहाँ पर है। तो उसके बाद ट्रैक करने के बाद वो BMS होम BMS फॉरेन BMS को कनेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है। तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ आपके एरिया में हमारा एक यूज़र है जिससे हम कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो फॉरेन BMS होम BMS को परमिशन देता है और उसके बाद फॉरेन BMS के थ्रू वो कॉल कनेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा जब भी आप अपने एरिया से बाहर जाते हैं तो आप अपने फ़ोन को रोमिंग पर रख देते हैं। तो रोमिंग का मतलब ये होता है कि परमिशन ग्रांट करना है कि हाँ जो BMS होते हैं वो आपने आपका कॉल या आपका एरिया ट्रैक कर आपके लोकेशन ट्रैक कर सकता है, अपने आपके होम BMS को इन्फॉर्मेशन भेज सकता है कि हाँ इस एरिया में आपका यूज़र अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपना कॉल। तो बेसिकली ये होता है रोमिंग। अगर अपना अपना फ़ोन रोमिंग पर नहीं रखते हैं तो BMS को बहुत दिक्कत होती है आपको आपका लोकेशन फाइंड करने में और आपकी जगह फाइंड करने में। तो यहाँ पे कॉल कनेक्शन कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। तो जब भी आप अपने लोकेशन से बाहर जाएं तो फ़ोन को रोमिंग पर रखते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन BMS होम BMS को एक्स्ट्रा चार्ज करता है कनेक्ट करने के लिए, तो ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो जब भी आप रोमिंग पर रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे तो देने ही पड़ते ही होंगे। हाँ हालांकि अभी जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो शायद कोई प्रोवाइडर्स चार्ज नहीं करते, लेकिन जब भी आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको चार्जेस लेने ही पड़ते हैं, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप वहाँ के सिम लेते हैं तो आपके चार्जेस रिड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पर आपका होम BMS वो बन जाता है सिम लेने के बाद। तो यहाँ ये कैसे कनेक्ट होता है, यहाँ पे होम BMS या BMS कैसे काम आते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आपको मोबाइल टावर्स के मैं बता बारे में मैंने बता दिया कि एक्चुअली कॉल कनेक्शन और ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वही काम होता है कि वहाँ पे एंटीनास लगे होते हैं टावर्स में, और वो एंटीनास की वजह से एक टावर से दूसरे टावर तक वो रेडिएशंस भेजता है। तो हाँ यहाँ पे जो रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ के ट्रांसमिट करता है मोबाइल टावर्स।
तो अगले वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ कि हैकिंग के बारे में वीडियोस में डालूंगा कि हैकर्स कैसे हैक करते हैं एक सिस्टम्स को, और वाईफाई पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं, और बाकी सब हैकिंग के बारे में बताऊँ कि आप ऐसे कैसे सिक्योर हो सकते हैं। तो हैकिंग के बारे में जानने के लिए और सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।